और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे कल गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी कि कल रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो एक तरफ आज पश्चिमी यूपी में अमित शाह डेरा जमाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ कल का दौरा रहेगा रुद्रप्रयाग का गृह मंत्री अमित शाह का। भरत सिंह चौधरी के लिए जनता से वोट अपील करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में 14 फरवरी को आपको बताएं कि मतदान होंगे, 70 सीटों पर 10 मार्च को नतीजे आएंगे और उससे पहले लेकिन प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील की जा रही है। और इसी कड़ी में कल रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट अपील करेंगे गृह मंत्री। भरत सिंह चौधरी के लिए जनता से वोट अपील की जाएगी। आपको ये भी बताएं कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव हुआ, मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। गृह मंत्री जी के कल गढ़वाल का कार्यक्रम है, उसमें 3 विधानसभाओं की बैठकें वहाँ पर होनी है जो हॉल बैठक हैं, और उसके बाद कुछ कैंपेनिंग जो है डोर टू डोर की कैंपेनिंग है। 3 विधानसभाओं की अलग अलग बैठक होगी और उसके साथ आपकी डोर कैंपेनिंग, मार्केट का विजिट जो चुनाव आयोग के एच पर नॉर्म्स है वो कार्यक्रम देखेंगे। तो देखिए कल रुद्रप्रयाग का दौरा रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का, पूरा कार्यक्रम आपको बताएं कि वहां पर डोर टू डोर प्रचार वो करेंगे क्योंकि रोड शो रैली पर इस समय रोक लगी हुई है, लेकिन अब कल रहेगा रुद्रप्रयाग का दौरा गृह मंत्री का। डोर टू डोर प्रचार करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, जनता से वोट अपील करेंगे और समर्थन मांगेंगे। और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह का कल रुद्रप्रयाग का दौरा रहेगा, जानकारी और क्या है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तराखंड में रहेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में उनका भाजपा का जो कार्यक्रम है दूर का, वहां वो कार्यकर्ताओं के साथ जनता से मिलेंगे और पार्टी के पक्ष में वोट डालने की जो अपील है वो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग वो पहुंचेंगे और वहाँ जिस तरीके से वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ सकते हैं, खासतौर से अगर हम देखें बाबा रुद्रनाथ के मंदिर में वो दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा जो घर घर संपर्क अभियान है वहाँ भी वो शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा जो और अन्य जो कार्यक्रम है, पूर्व सैनिकों के साथ एक बैठक रखा गया है और महिला समूहों के साथ भी उनकी बैठक रखी गई है। खासतौर पर पहले से ही सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई थी पार्टी की तरफ से, जो सारे कार्यक्रम तय कर लिए गए थे और ये जो उनका दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, क्या गृह मंत्री का ये कार्यक्रम पहले तय था या फिर अचानक से तय किया गया है? दूसरा ये कि कब तक वो वहां पर पहुंचेंगे, समय क्या बताया जा रहा है? देखिए, एकाएक ये कार्यक्रम उनका तय किया गया है और खासतौर पे आज ही जो है भाजपा की एक मीटिंग की गई है इन कार्यक्रमों को लेके, और कल सुबह 11 बजे के करीब वो रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और वहां जिस तरीके से पहले वो मंदिर पहुंचेंगे वहां दर्शन करेंगे, उसके बाद घर घर भाजपा अभियान के तहत वो जिस तरीके कार्यकर्ताओं के साथ वो जाके लोगों से अपील करेंगे वोट मांगने की। और ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए तो कल भाजपा के लिए काफी अहम है कल का दिन, और जिस तरीके से अमित शाह की तरफ से एक चुनावी कहीं ना कहीं अभियान की शुरुआत की जाएगी, और कल जिस तरीके से अगर हम देखें तो कार्यक्रम जिस की पूरी रूपरेखा आज ही तैयार की गई है, इस दौरान अगर हम देखें तो जो प्रदेश भाजपा के बिल्कुल ज्ञानेंद्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, और डोर टू डोर वो प्रचार करेंगे और गृह मंत्री की मौजूदगी ही काफी कुछ बयां भी करती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।